दोस्तों पलवन सिस्टम एक लौता सिस्टम है जहाँ सपोर्ट में जाके आप मेल कर सकते हैं और मेल करने के बाद उनसे आपको आंसर मिलते हैं और उस आंसर के बारे में हमारे इस मंथ में हमारे एसएम ताहिरुद्दीन जी कोलकाता हाई कोर्ट के वकील है, उन्होंने जो बात कही है बहुत बेहतरीन बात और वो स्क्रीन भी शेयर किया है, हम देख लेते हैं स्क्रीन शेयर क्या है और वो प्रश्न किया था और उनका जवाब किया दिया गया है सिस्टम ने, चलिए देखते हैं। आज का मेल का नोटिफिकेशन है, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है सर, आप लोग देख पा रहे हैं? जी सर। सर ये सर देखिए, सिस्टम कह रहा है पलवन सल्यूट कंटिन्यू सेम ओल्ड प्लान, पलवन का प्लान में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, विच इज बेस्ट, वो बेस्ट प्लान है इस विड्रॉल इन क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि मैं कल भी कहा, इससे पहले भी कह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का जो हम लोगों का जरूरत है या जो एक्सचेंज का हमें जरूरत पड़ेगा वो सिर्फ विड्रॉल के लिए ही पड़ेगा। देखिए सिस्टम से भी मेल का जवाब सेम टू सेम आया है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अभी नए हैं, बहुत सारे ऐसे डायनेमिक लीडर है पलवन इंटरनेशनल सिस्टम में जो लोग 2018 से इस सिस्टम में जुड़े हुए, उनके पास डीपी लाखों लाख डीपी है या ऑटो पुल के माध्यम से उनको लाखों लाख डीपी का इनकम हो रहा है, या हम लोग समझ सकते हैं कि उनको जो एक्टिव इनकम है उससे भी काफी हद तक बड़ा बड़ा इनकम आ रहा है, तो उनको विड्रॉल लेने में परेशानी आ रहा है। तो उनके जो विड्रॉल लेने में परेशानी आ रहा है, इस वजह से सिस्टम ने क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्राइटेरिया आप देखिए कि हम लोगों का डीपी जो है बहुत हद तक सिस्टम ने कोशिश किया इस डीपी को वर्ल्ड वाइज करने के लिए, लेकिन किसी भी चीज को, किसी भी करेंसी को अगर आप किसी से टाई अप करते हैं तो उसके लिए बहुत वक्त का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो सारे कंट्री में एक बराबर का रेट नहीं होता है। इस वजह से सिस्टम को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था और गवर्नमेंट का कुछ क्राइटेरिया है, जबकि हम अभी हमारे राजली सेक्टर बहुत ही खूबसूरत बात कह कर गए हैं कि कुछ देर कंट्री में क्रिप्टो करेंसी जो है वो ठीक है, वो ग्रैंड है, वो चल रहा है, उसको मान्यता मिला हुआ है, कुछ कंट्री में नहीं है, हमारे इंडिया में भी इससे पहले नहीं था, बीच में पहले था, बीच में नहीं था, फिर अभी चालू हुआ है क्रिप्टो करेंसी। तो हम जिस देश जिस कंट्री में बिजनेस करेंगे उस कंट्री का जो लॉ लीगल लॉ है, कानूनी जो भी चैलेंज आता है उसका सामना करते हुए हमें वर्क करना है और इनकम करना है। तो अभी हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का मान्यता है, तो सिस्टम ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है। बहुत अच्छे तरीके से हम सबों को समझना है, सिस्टम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप अपने अकाउंट में डीपी रख के क्रिप्टो परचेस कीजिए। सिस्टम ने अपना बात बताया है कि अगर आप चाहते हैं तो अपने अकाउंट से कुछ परचेस कर सकते करेंसी, क्योंकि हमारे पास यूजर इतना ज्यादा है कि इसका रेट बढ़ने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अपने अपने क्षमता के हिसाब से सभी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम जिस रैंक में हैं उस रैंक में तो हम इन्वेस्ट किए ही हुए हैं, लेकिन सिस्टम जब क्रिप्टो लॉन्च कर रहा है तो उसमें अगर आपका आप कैपेबल है तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए, नहीं तो जो सिस्टम आपको रैंक के हिसाब से देगा वो तो आएगा ही, और आपका जो इनकम रहेगा वो इनकम जैसे अभी डीपी के सकल में आ रहा है वो आपको पीबी मेटा टोकन के हिसाब से आएगा, यही है नोटिफिकेशन। तो हम लोग जो भी चर्चा करेंगे सिस्टम के नोटिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे और किसी के भी बातों में पैनिक पे हम लोग नहीं जाएंगे और अपने टीम को पैनिक से बचाएंगे, क्योंकि यही जो बात होता है ना, इधर उधर का बातें सुनकर अपने दिमाग को हैंग करना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत ही सोच समझ के आप लोग वर्क कीजिए और सिस्टम का नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए, आने वाले दिनों में जो भी होगा हम सबों के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।